हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश कमलेश किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे मक्के के आटे के मथुरा वाले पेड़े। बिल्कुल मथुरा स्टाइल में बनाएंगे, लग रहे हैं ना बिल्कुल मथुरा स्टाइल के पेड़े। तो देरी ना करते हुए चलते हैं रसोई की तरफ, देखते हैं कैसे बनते हैं पेड़े। तो एक कढ़ाई मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, इसमें एक कटोरी मक्के का आटा, और इसको अभी सिंपल भूनना है और ऑयल डालेंगे हम थोड़ा रुक कर, तो हल्का हल्का ये खुशबू आने लग जाएगी, तब इसके अंदर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। मैं आज रिफाइंड ऑयल से ही आपको बताऊंगी कि पेड़े कैसे बनते हैं। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच ली है रिफाइंड ऑयल, और अभी हमें लगेगा तो हम फिर आगे और लेंगे, और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनते चले जाएंगे। ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल कच्चे आटे की गुठली ना रह जाए। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल और ले लिया है, और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि पेड़ों के अंदर बिल्कुल कच्चापन अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है, मैंने निकाल लिया, और सेम कढ़ाई में मैंने आधी कटोरी पानी और आधी कटोरी चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है उस तरह से ले लें। तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर ले लें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मेरा जो मैंने निकाला था मक्की का आटा, ये हमारा हो गया ठंडा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होता है कि एकदम से जो पेड़े का जो स्वाद है ना, बिल्कुल मथुरा के पेड़े की तरह ही आएगा। बिल्कुल इसमें लगेगा नहीं कि हमने मक्की के आटे से इसको बनाया। जैसे कि आप जानते हैं मक्की का आटा जब हम खाते हैं तो मुँह में उसका स्वाद रह जाता है, लेकिन पेड़े डालने से ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसको हमने ठंडे में ही मिलाना, गर्म में नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये जम जाएगा। इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। चाशनी हमें एक तार की चाशनी करनी है, तो चाशनी मैंने सेम कढ़ाई में बनाई थी, थोड़ा सा इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है। और चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि एक तार की चाशनी हमारी बनी है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर एक तार जैसे दोनों उंगलियां आपस में टच करेंगे तो एक तार निकलता है, तो हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो जाती है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी येलो कलर, इससे थोड़ा सा पेड़ों का रंग अच्छा आएगा। ये ऑप्शन लिए है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना तो ना डालें। अब इसके अंदर मैं मिला दूंगी जो मक्के का आटा था ना, वो ऊपर से हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है अंदर से, जब ये हम खाते हैं तो मुँह में आता है ना थोड़ा सा नारियल का जो स्वाद आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक हमारी मिठाई बनकर तैयार होती है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल और डाला है। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा से पेड़े सॉफ्ट के लिए डाला है, अगर आप चाहें तो ना डालें कोई बात नहीं। और इसको हम धीमी आँच पर ही इसको घुमाते रहेंगे, जब तक कि कढ़ाई से अलग ना होने लगे। और जब देखें कि आप जैसे इस स्टेज पर हमने कर देंगे गैस को बंद, अब ये गाढ़ा होने लगा तो हमने गैस को कर दिया है बंद, और प्लेट कर ली है अपनी ग्रीस तेल लगाकर। और ठंडा होने के बाद कढ़ाई में इस तरह से मैं हिलाती रही थी ना, उसको घुमाती रही थी, तो हमारा ये कढ़ाई छोड़ देगा, और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो प्लेट में मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है, क्योंकि जो पेड़े बनाएंगे तो हाथ से ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ जलने का डर होता है। प्लेट में फैलाने के बाद मैंने इसमें काजू काट कर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें गोले का बुरादा डाला है। और यहाँ पर मैंने ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाला है देसी घी, अगर आप चाहें तो डालें, अगर हो तो ना तो फिर आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से डो तैयार कर लेंगे स्मूथ, जिससे ये हमारे पेड़े दरदरे से ना लगें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ऊपर पर जम जाती है इसमें। और आप अपने पेड़े के हिसाब से छोटे बड़े जैसा भी पेड़े बनाएं उस हिसाब से इसके डो तोड़ते जाएं। और यहाँ पर हमने ले लिया कोकोनट पाउडर, और डो इसके हम राउंड राउंड वाले बनाएंगे पेड़े, अगर आप चाहें तो गोल वाले बना लें या किस तरह से। मैंने थोड़ा सा लंबे वाले इसके पेड़े बना के तैयार करे हैं, और बना बना कर एक प्लेट में अलग से रखती चली जाऊँगी। आपकी ये तो आपका अपना है कि आप किस तरह का इसका शेप देना चाहें। बहुत ज़्यादा शेप है इसका, कलर आप जैसा चाहें वैसा इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लंबे वाले पेड़े बनाए हैं, जैसे मथुरा के मिलते हैं ना लंबे वाले, क्योंकि नाम जिसको मथुरा के पेड़े का दिया है
तो लंबे वाले तो बनते ही हैं ना। तो यहाँ पर सारे पेड़ तैयार हो चुके हैं और इनको मैं इसी जो कोकोनट पाउडर है इसके अंदर मिक्स करके और मैं प्लेट को अपनी को सजा लूँगी। यानी कि हमने एक कटोरी मक्के के आटे में प्लेट भरकर हमने यहाँ पर ये पेड़ तैयार कर लिए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कटोरी में हमारा आधी किलो से ऊपर ये पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सारे पेड़े मैं इस तरह से लगा लूँगी प्लेट में। तो आप देख सकते हैं एक प्लेट के ऊपर हमारे बचे हैं चार पेड़े फालतू। तो ये चार पेड़े हैं इनको मैं अलग से निकाल लूँगी और अपनी प्लेट तैयार कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा लूँगी कॉटन, क्योंकि हमें इसका डिज़ाइन बनाना है ना, बिल्कुल मार्केट के पेड़ों की तरह है। तो कॉटन में मैंने लगाई एक माचिस की तिल्ली में कॉटन लगाकर, और ये मेरे पास फूड कलर है ऑरेंज कलर का, तो इसको मैं लगा लूँगी सारों में। अगर आपके पास ये है तो लगाएं, ना तो रहने दे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने को एक इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया है। तो कैसे लग रहे हैं हमारे ये मथुरा के पेड़े, हैं ना बिल्कुल ये यमी वाले। और मैं इसका टेक्सचर भी तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना अंदर से स्मूथ निकले बिल्कुल पेड़े, मथुरा के जो पेड़े होते हैं ना बिल्कुल उसी टाइप में। और ये खा के देखिए, आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये मक्के के आटे के पेड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज और यमी बने हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।